दोस्तों आज हम बनाएंगे दो कच्चे आलू से व्रत के कुरकुरे पकौड़े। 2-in-1 रेसिपी है, कम मेहनत में झटपट बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने दो थोड़े बड़े साइज के कच्चे आलूओं को छील कर ले ली है। इनको पानी में डाल दिया है जिससे कि ये काले ना पड़े। तो अभी हम इनको साइड में रख देते हैं। अब आधा कप साबूदाना लेंगे, इनको कढ़ाई या पैन में डालेंगे और इनको रोस्ट कर लेंगे। इनका कलर चेंज नहीं करना है, बस 2 मिनट तक भून लेना है जिससे साबूदाने से नमी निकल जाए। साबूदाना रोस्ट हो गया है तो इनको ठंडा करके मिक्सर जार में डाल देंगे और इनको पीस लेंगे। और देखिए इनका पाउडर नहीं बनाना है, इस तरह से दरदरा रखना है। तो चलिए अभी हम इनको बाउल में निकाल लेते हैं। अब एक आलू लेंगे, इसे इसी मिक्सर जार में मोटा मोटा काट कर डाल देंगे। एक आलू का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब इसमें हम ले रहे हैं 3 हरी मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से रखिएगा। 1 इंच अदरक के टुकड़े और 1 छोटा चम्मच जीरा, इनको हम पीस लेंगे। आलू के मॉइस्चर से ही ये अच्छे से पीस जाते हैं। आधा कप हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और एक बार चला लेंगे। धनिया हमने डंठल सहित ली है और इनको बाद में डाला है क्योंकि इनका हमें पेस्ट नहीं बनाना है। थोड़े दरदरे रहेंगे तो पकौड़ों में इनका टेस्ट अच्छा आएगा। इनको हमने बाउल में निकाल ली है। अब इसमें हम ये साबूदाना डाल देंगे जो हमने पीस कर रखी थी। 1/4 कप क्रश की हुई मूंगफली डाल देंगे, इससे पकौड़ों में क्रंच आएगा। व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच सेंधा नमक डाल रहे हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। और इस डो को हमें मुलायम रखना है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिला लेंगे। साबूदाना पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो इसमें हमने लगभग 1/4 कप पानी डाला है और इसका एक मुलायम डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब साबूदाना थोड़ा फूल जाए तो इसे अभी हम साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो ये हमने जो कच्चा आलू बचा कर रखा था ना, इसे चाकू से पतला पतला गोल गोल काट लेंगे, जैसे हम आलू के पकौड़े के लिए काटते हैं। आप चाहें तो इन्हें चिप्स कटर से भी काट सकते हैं। इस तरह से आलू को काट कर हमने तैयार कर ली है। इधर साबूदाना भी थोड़ा फूल गया है तो थोड़ा सा डो हम हाथ में लेंगे और इसे रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद इसे हथेली के बीच में रखेंगे और इसे चपटा कर लेंगे। इस तरह से बड़े का शेप देकर भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं, पर आज हम 2-in-1 रेसिपी बना रहे हैं तो इसे चपटा करके पतला कर लेंगे और पूड़ी का शेप दे देंगे। और इसके बीच में ये आलू लगाएंगे और इसे सभी तरफ से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से इसमें आलू साबूदाना बड़ा का भी टेस्ट आएगा और आलू के पकौड़े का भी। सभी तरफ से बराबर कर लीजिएगा जिससे आलू अच्छे से कवर हो जाए। इस तरह से मैंने सारे पकौड़े बनाकर तैयार कर ली है। अब चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में तेल गरम कर ली है। तेल को मीडियम गरम रखिएगा और एक एक करके इन पकौड़ों को डालते जाइएगा। ये पकौड़े बहुत जल्द आपस में चिपक जाते हैं तो इनको थोड़ी देर बाद चलाइएगा। और अगर ये थोड़े चिपके हों तो इनको पलटे से इस तरह से अलग कर लीजिएगा। फ्राई करते समय गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखिएगा और इनको उलटते पलटते हुए गोल्डन होने तक फ्राई करिएगा। और देखिए इनको फ्राई करने में 6 से 7 मिनट का समय लगा है। इनका कलर सुनहरा हो गया है और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फूल भी गए हैं। ये पकौड़े बहुत ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और एकदम क्रंची बनते हैं। अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी होते हैं, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सारे पकौड़ों को हमने फ्राई कर ली है, थोड़ी हरी मिर्चें भी फ्राई कर ली है। और देखिए ये कितने क्रंची बने हैं। बारिश हो रही हो और कुछ एक्स्ट्रा क्रिस्पी खाना हो तो आप इन्हें बिना व्रत के भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए ये बाहर से एकदम कुरकुरे हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट,
व्रत के लिए बना रहे हो तो इनको दही वाली हरी चटनी के साथ खाइए, और बिना व्रत के बना रहे हो तो टोमेटो केचप या चाय के साथ। तो दोस्तों, बड़े तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, एक बार ये रेसिपी ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।